देखिए, मेरा नाम चौधरी ज़ियाफ़त अली भामड़ा है। मैं यहाँ तोड़ी नाला का रहने वाला हूँ। आज मैं अपने घर में था तो सुबह से ही तो देखा, जब हमारा माल घर से थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था तो हमारे कुत्ते वगैरह भौंकने लगे। तो हमारे छोटे मेरी छोटी भाभी थी, वो माल को वापस मोड़ने के लिए जा रही थी। तब तक मेरी घरवाली भी जा रही थी, तो मैंने उनको बोला, भाई कुत्ते भौंक रहे, क्या पता कुछ हो ना। तो मैं जो ही ऊपर चढ़ा, ऊपर की तरफ चढ़ा, तो आगे से चीता एकदम हमारे माल में आ गया। माल में जब चीता आया तो हमने शोरगुल किया, हल्ला हुल्ला किया। उसके बावजूद क्या किया कि शेर ने माल की बजाय उल्टा मेरे ऊपर हमला किया। और खुदा की करनी ये हुई कि मेरी पहले बाजू पकड़ी, बाजू से जब मेरे मुंह पर हमला करने लगा तो मैंने एकदम वहाँ एक थोड़ी सी खाई थी, खाई से छलांग लगाई। छलांग लगाने में चीते ने पीछे से मुझे ये हिट किया और मुझे बुरी तरह से ज़ख्मी कर दिया। तो मैं जनाब आपके मीडिया के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि चीते को अगर कोई इंसान मारे तो उसको सज़ा है, और चीता अगर किसी को मारे तो उसके लिए कोई पूछताछ नहीं है। ये बहुत से पहले भी हादसे हो चुके हैं। हालांकि मेरे इलाके में आप जाके पूछ सकते हो कि जितने भी वहाँ कुत्ते और लोगों के डंगर वगैरह है, माल वगैरह है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई पूछताछ नहीं है। क्योंकि चीते को अगर कोई फायर भी कर दे गलती से तो उसको 7 साल या 3 साल सज़ा होती है। तो इसका मतलब ये है कि जानवर की ज़िंदगी से इंसान की ज़िंदगी कम है। तो इंसान की ज़िंदगी चले जाए कोई परवाह नहीं, मगर जानवर की जान नहीं जानी चाहिए। तो मैं वाइल्ड लाइफ महकमा से कहना चाहता हूँ और जंगलात के जितने भी ये अहदेदार लोग बैठे हुए हैं, इनसे कहना चाहता हूँ, या तो इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए, या हमारा तहफ़ किया जाए, या हम लोगों को इजाज़त दी जाए कि इन खूनखार जंगली जानवरों को हम कहीं अपने दोस्तों यारों को बुला के मार के इनको इनसे अपनी ज़िंदगियों की निजात पा सकें।